मैंने अस्पताल पर कुछ लिख दिया, चलो ठीक है वीकेंड फ्राइडे है और कुछ काम नहीं है, हॉस्पिटल चलते हैं। तो अस्पताल के ऊपर कुछ ख्याल है, क्या जिंदगी है कीमती तुम ये सवाल देखना, पल दो पल में चेहरों का बदलता हाल देखना, आंखों को कई गत जगह मिलेंगे, कई अपने पराए सगे मिलेंगे, बस किसी रोज जाकर तुम अस्पताल देखना, जाकर बैठ जाना किसी मरीज के पास में, तुम्हें मौत नजर आएगी जिंदगी के लिबास में, वो शख्स तनहा जिया होगा आज तक तमाम उम्र, अब रिश्तों का कारवां होगा उसके आसपास में, तुम्हें बेबसी और बेकसी में लिपटे हुए दो अक्स नजर आएंगे, तुम्हें दूर कहीं लेटे हुए दो शख्स नजर आएंगे, बारूद जैसा छिलता हुआ लगा होगा उनके सीनों में, जिंदगी उनकी उलझी होगी तारों में मशीनों में, पहले की शक्ल जैसे मुस्कुराने वाला हो, दूजे की सांस जैसे अब भी जाने वाला हो, और उसके पास होता है कोई जो उसे संभालने या खुद संभालने आता है, या और कोई नहीं उसका नौजवान बेटा है जो कभी कभार मिलने आता है, ये मिलकर करता है कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर लाजमी है खुद को शर्मिंदा कर लेना, जब ये कहीं नोटों का बंडल रखकर कहता है कि मुमकिन हो तो इन्हें जिंदा कर देना, पर कुछ बदसलूकी और बदमिजाजी की सीमाएं लांघी जाती हैं, कुछ ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिनके खैरियत की दुआएं मांगी जाती हैं, नर्म जोशी का ये समा गूंज उठता है सर फिरे जुनून से, जब लाया जाता है एक नौजवान वहां लटका हुआ बस खून से, ये वही नौजवान है जो घर से माँ की रोटी जल्दबाजी में खा कर निकला था, ये वही नौजवान है जो घर से मुस्कुरा कर निकला था, कुछ तो वहां बस अपनी आखिरी सांसों को बचाने आते हैं, कुछ तो वहां यूं ही बस किसी बहाने आते हैं, और कुछ तो वहां बरसों से लावारिस बस अपने बिस्तर के नंबर से पहचाने जाते हैं। जोशी के इस आलम में मुझे लगा कि मातम सा भर गया जब किसी ने आवाज लगाई कि वो 102 बेड पर जो था ना वो जो भी था वो मर गया। मुझे फिर सारे आलम में उसके जनाजे की तैयारी दिखाई दी कि अचानक से एक रोशनी कम हुई, एक दरवाजा खुला और बच्चे की किलकारी सुनाई दी, लगा के मौत के फरिश्तों ने अभी खेल कर लिया हो, लगा के रूह ने अभी अभी जिस्म बदल लिया हो, करिश्मे सा एहसास होता है वहां की हर बात में, स्ट्रेचर के रंगमंच पर मौत और जिंदगी एक साथ में। और मुझे मुझे लगता है कि हर किसी का किस्सा वहां एक दूसरे से जुदा होता है, हर मरीज वहां नमाजी होता है जिसका अपना एक खुदा होता है, अपने कायनात में उसका आना अक्सर होता है और उसके आने का भी एक वक्त मुकर्रर होता है, वो इजहार तबीयत सुनाता है जैसे फतीहा पड़ रहा हो, जैसे जेरूसलम के सड़कों पर वहां का मसीहा चल रहा हो, हर कोई सोचता है ये कब आएगा मेरे पास में, बड़ा सुकून और इत्मीनान उसके बातों के एहसास में, कोई उसे अपना हमसफर, कोई दोस्त, कोई रहबर बुलाता है, मैं तो समझा था इंसान था वो जिसे हर कोई डॉक्टर बुलाता है। तमाशा ये सारा देखकर दिल ये थोड़ा ढल गया, कुछ ये भी सोचकर दिल ये मेरा दिल से निकल गया कि मुझे लगता था कि मुझे दुनिया का हर कारोबार मालूम था, पर कैसे मैं आज तक ऐसी एक जगह से महरूम था जहां मजहब के संगे मरमर अपनी सरहद से पिघलते हैं, जहां जलने और दफन होने वाले एक ही छत से निकलते हैं। ये तमाशा एक बार का नहीं, तुम साल दर साल देखोगे, चेहरों पर हंसी कहीं कहीं पर मलाल देखोगे, मैं कल गया था वहां तो एक नज्म ले आया हूँ, कुछ तुम्हें भी मिल जाएगा जब तुम अस्पताल देखोगे।